हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं गणेश चतुर्थी स्पेशल रेसिपी। आज हम सूजी के लड्डू बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आज मेरे साथ है किरण बेन कथीरिया, जो उनके वहां मैंने ये लड्डू टेस्ट किए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। उनके वहां सत्संग था तो हमारे घर प्रसाद आया था, तो तभी मैंने सोच लिया था कि इस गणेश चतुर्थी पे मैं उनको इनवाइट करूंगी और ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे लेना है 250 ग्राम सूजी, 1/4 कप बेसन, तो यहाँ पे फाइन वाला बेसन लिया है। इसी के साथ जाएगा गेहूं का आटा, तो यहाँ पे 1/4 कप गेहूं का आटा लेना है और यहाँ पे फाइन वाला आटा लेना है जो हम रोटी बनाते हैं। यहाँ पे लेना है तेल, तेल डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। सूजी को अच्छा सा कोट हो उतना इसमें तेल डालना है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का टेक्सचर होना चाहिए। एटलीस्ट 2 टेबलस्पून जितना आपको तेल लेना है। तो यहाँ पे मैंने लूक वार्म वाटर लिया है, पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए वो खास ध्यान रखें, और यहाँ पे हार्ड डो तैयार नहीं करना है। तो इस तरह से आटा अच्छे से मसल के रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं पराठे जैसा आटा तैयार करना है, ना तो बहुत सॉफ्ट ना तो बहुत हार्ड, इस टाइप का आटा रेडी हुआ है और इसे अच्छे से मसलना है और इसे हम 3 पार्ट में तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छे से बेल लेते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इतना मोटा बेलना है इसे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से बेल लिया है और कट भी कर लिया है, एक साइड तेल भी गर्म करने के लिए रखा था वो भी हो चुका है। अब हम इसे तल लेते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे तल लेते हैं। तो सुनहरा कलर आए तब तक हमें इसे तलना है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है, तब हम इसे निकाल देंगे। तो इस तरह से हम बाकी के भी तल लेते हैं। अब हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून गोंद लिया है और इसे हम तल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1/8 कप काजू ले रहे हैं और इसे भी हम तल लेते हैं। तो इसे हम हल्का ही तलेंगे, ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम बादाम को भी तल लेंगे। अभी ये जो हमने तले थे वो भी ठंडे हो चुके हैं, हल्का सा ठंडा होना चाहिए। अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक साथ हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे ग्राइंड करते जाएंगे। इसे हम पल्स मोल्ड पर ग्राइंड करेंगे। तो ये जो मिक्सर है इस तरह से दरदरा हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने मिश्री को मिक्सर में ग्राइंड करके लिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैंने वो लिया। आप चाहे तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं या तो गुरु चीनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप चीनी लिया हुआ है। इसी के साथ इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखा था, और इसी के साथ इसमें जाएगा रेजिन, इसे मैंने चॉप करके लिया है। यहाँ पे लिया है कोकोनट, कोकोनट को ग्रेट करके लिया है, ये 1/2 कप लिया है। इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। तो सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे घी ले रहे हैं, अभी 3/4 कप घी लिया हुआ है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो घी गरम किया था वही पैन है, इसमें 2 टेबलस्पून वापस हमने घी लिया है
और इसी के साथ 1.5 टेबल स्पून जितना दूध लिया है, अब हम इसमें एक घी और दूध दोनों मिक्स करके डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध डालने से लड्डू थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं। अब हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर खसखस रख देते हैं इस तरह से। सारे लड्डू रेडी है तो गणपति बापा को भोग धरा देते हैं। थैंक यू किरण बहन इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपको भी बहुत थैंक यू मुझे मेरी रेसिपी शेयर करने के लिए मौका दिया। इस गणेश चतुर्थी पे इस लड्डू की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी और एक चैनल है फूड कुटीर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।